नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के रुझानों को देखते हुए प्रदेश में बीजेपी की सरकार की वापसी तय हुई। इस बार कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाली सरिता आर्या के लिए भी चुनाव परिणाम खुशी लेकर आया है। नैनीताल विधानसभा सीट से सरिता आर्या ने 5000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। सरिता आर्या ने कांग्रेस के संजीव आर्या को हराया है। सरिता आर्या की जीत के बाद उनके समर्थक हल्द्वानी एमपीपीजी डिग्री कॉलेज में बने मतगणना केंद्र पहुंचे। इस दौरान सरिता आर्या का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। साथ ही भीमताल विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार राम सिंह केड़ा ने भी जीत दर्ज की है। राम सिंह लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। बात अगर नैनीताल सीट की करें तो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़ सरिता आर्या बीजेपी में शामिल हुई थी। आखिर समय में बीजेपी ने भी सरिता आर्या पर अपना दाव खेला, जो सटीक साबित हुआ। सरिता आर्या ने नैनीताल सीट से 5000 से भी ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। वहीं देर शाम नैनीताल पहुंची सरिता आर्या का भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ रंगों की बौछार कर उनको शुभकामनाएं दी। तल्लीताल से लेकर मल्लीताल तक भाजपा के नारे लगे। मैंने पहले कहा था कि मेरे पास धनबल नहीं है, मेरा धनबल मेरे कार्यकर्ता है। आज मैं जिनकी यहाँ पे खड़ी होकर ये प्रेस वार्ता कर रही हूँ, वो भी मेरे बहुत बड़े कर्मठ कार्यकर्ता है। और हम सब लोग, जैसे ये पाठक जी हैं, मेरा केस आपको पता है, मेरा जाति प्रमाण पत्र का कोर्ट में कर दिया था इन्हीं दोनों भाइयों ने। और मैं पाटनी जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी, सुरेश पंजी का भी, इन लोगों ने मुझे बहुत मदद करी। तो नैनीताल से जुड़ी इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।